सनसेट के लिए बेस्ट पॉइंट है, व्यू पॉइंट भी कहा जाता है क्योंकि व्यू भी बहुत अच्छा मिलता है। सीधा हम लोग गुड मॉर्निंग कर रहे हैं अंजरला से। यहाँ से गाइस नजारे देखो, सिर्फ नजारे देखो, छोड़ो पड़े ना थोड़ा। और फाइनली गाइस हमारा राइड हो रही है चालू, लेट्स गो। हेलो गाइस वंस अगेन गुड मॉर्निंग। सो शुरू करते आज का व्लॉग। हेलो गाइस एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। दिस इज एके और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और सीधा हम लोग गुड मॉर्निंग कर रहे हैं अंजरला से। सो ये है अपना मामा का घर। पूरे घर के आजू बाजू में सिर्फ आम के पेड़। मैं जस्ट फ्रेशअप हो गया, अभी हम लोग नाश्ता करेंगे और इसके बाद हम लोग निकलेंगे राइड पे। राइड पे मतलब राइड पे नहीं जाएंगे, यहाँ के बहुत सारे ऐसी अच्छी अच्छी जगह है वो अपने को एक्सप्लोर करना है। सो किस बात की देरी, चलो फटफट नाश्ता कर लेते और यहाँ से निकलते। सो लेट्स गो। आने से पहले बिल्ली को देखो। ए टॉमी, तेरा पार्टनर किधर है? बहुत मस्ती कर रहा है। फाइनली गाइज हमारा दर्शन यहाँ पे हो गया और बराबर पीछे हमारे मंदिर है। पहला गणपति का दर्शन किया, उसके बाद शंकर भगवान का दर्शन किया। और ये मंदिर के बारे में कहूँ तो ये 1780 का मंदिर है और इसको कड़ावरसा गणपति नाम क्यों रखा है, मतलब ये मंदिर है पहाड़ पे, इसके वजह से इसको नाम रखा है कड़ावरसा गणपति। तो गाइज अभी अपन ने मंदिर देख लिया, अभी जाएंगे वहाँ पे एक तालाब है, चलो अभी वो देखते हैं। तो ये है तालाब और ये तालाब में ना एक कोन है ना जो 8 कोन का, मतलब ये सर्कल में कुछ तालाब ने एक 8 कोन में कुछ बना हुआ तालाब है। बट इधर इसके अंदर कछुए भी बहुत सारे और फिश भी बहुत सारे। सो फाइनली गाइस हम लोग ऊपर से दर्शन लेके और तालाब वगैरह सब देख के नीचे आइए। पीछे मंदिर रह गया और मंदिर के पीछे के साइड से यहाँ पे आना है। और यहाँ पे ना गणपति का पहला पैर, मतलब जब रखा पहला पैर ऐसा, वहाँ पे मंदिर है उसका। और सो इधर अपन अभी दर्शन ले गया और यहाँ से गाइस नज़ारे देखो, सिर्फ नज़ारे देखो, कितने बढ़िया लग रहे हैं यार। तो फाइनली गाइस हम लोग घर पे आ गए, अभी 2:30 बज रहे और शाम को अभी हम लोग जाएंगे बीच पे। तो अभी लंच वगैरह कर लेंगे और उसके पहले आपको एक कुछ चीज़ दिखाता हूँ। सो चलो अपन देखते हैं, एक मज़ेदार चीज़ है। हाँ हाँ, अरे क्यूट है ना ये सब बकरी। बकरे मामा के ही है और इनका बिजनेस है और उसके साथ मैंगो का भी। एंड सूर्य देवता देखो ऑलमोस्ट सनसेट होने की फिराक में है, उसके पहले अपन जाते हैं बीच पे। सो नाउ वी आर गोइंग ऑन मुरुड बीच, यहाँ का एक फेमस ऐसा बीच है। उसके जाने से पहले अपन सनसेट पॉइंट पे जाएंगे, पर सनसेट पॉइंट पे अपन सनसेट का वेट नहीं करेंगे क्योंकि उधर वेट करते बैठेंगे तो अपना बीच पे अपन नहीं जा पाएंगे। इसके लिए अपन पहले जाएंगे बीच पे। और हमने इस तरह बाइक को किया है बंद, मस्त ऊपर से चलती आ रही है, जब तक जाएगी नीचे तक चालू नहीं करेंगे। आराम आराम से अपना पेट्रोल बचाओ कार्यक्रम चालू है। सो अभी लग रहा है चालू करना पड़ेगा एंड चालू करते हैं। 3, 2, 1 चालू।
और ये ब्रिज ऑफ रोडिंग बीच है देखो, अरे बाप रे खड्डे देखो बीच पे। लुक एट दिस गाइस, हम लोग यहाँ पे रुक गए और ये हमारी शेरनी, इसके ऊपर सन रिफ्लेक्ट मस्त हो रहा है, मस्त लग रही है। और ये है खाड़ी, और एक खाड़ी जाके मिलती है अंजरले बीच पे, और वो जो सामने दिख रहा है वो अंजरले बीच है, उस पर अपन कल मॉर्निंग में जाएंगे, वो भी बहुत बढ़िया बीच है। सो देखो ना यहाँ से एक बहुत अच्छा नज़ारे दिख रहे, सन भी पानी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो देखो मस्त लग रहा है। तो आपने यहाँ से देख लिया कैसा दिख रहा था, अभी अपन जाएंगे घाट के ऊपर, वहाँ से भी देखो बहुत अच्छा लगता है, यही व्यू आता है बट वो और अच्छा आता है। हाय ग, सो गाइस यहाँ से देखो जो व्यू आ रहा है, वाह। अपन उधर के ब्रिज से आए, वो अभी यहाँ से दिख नहीं रहा, और ये सामने जो दिख रहा है ना वो है अंजरला बीच, और वहाँ पे भी गेस्ट हाउस है, उसका नाम नहीं पता, बट यहाँ पे रहने के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है। गाइस हम लोग आ गए ये व्यू पॉइंट पे, और इसको सनसेट पॉइंट भी कहेंगे और व्यू पॉइंट भी कहेंगे, कुछ भी कहो एक ही है। गाइस हम लोग यहाँ पे आ गए और इसके बाल देखो बहुत मैसे हो रख के, और यहाँ का व्यू देखा आपने क्या बढ़िया लग रहा है। नीचे जो आपको जो गांव दिख रहा है ना वो है पांच पंडेरे का, और वहाँ पे जो किला दिख रहा रहेगा वो है सुवर्ण दुर्ग किला। सो सनसेट के लिए बेस्ट पॉइंट है एक्चुअली, सनसेट इधर से देखने जो मिलता है सामने ही सन है और सेट होते हुए मस्त लगता है, और यहाँ पे व्यू पॉइंट भी कहा जाता है क्योंकि व्यू भी बहुत अच्छा मिलता है, सो काफ़ी क्रेजी है। और एक सीन है यहाँ पे ऊपर एक रेस्टोरेंट है, गेस्ट हाउस ही बोल सकते हैं उसको, सो इधर आप स्टे भी कर सकते हो। सो क्रेजी सीन एक्चुअली यहाँ का, मुझे तो बहुत पसंद है, हम लोग यहाँ पे रात में भी आते हैं यूजुअली, बट अभी आने नहीं मिलेगा क्योंकि रात को ठंड भी बहुत रहती है। हम लोग वैकेशन मई में आते हैं ना, तो रात को भी आके चिल करते हैं यहाँ पे, बहुत मस्त जगह है। चलो गाइस यहाँ से अपन अभी निकल रहे हैं, और अभी जाए के बीच पे ऑलरेडी बहुत लेट हो रखा है, 5:38 हो रहे हैं, क्या पता बीच पे जाने तक अंधेरा ना हो जाए, वैसा हो रहा नहीं चाहिए, अभी देखते हैं। ओह शिट यार, ये कितने बड़े बड़े खड्डे हो रखे यार। और हम लोग आ गए हरने में, ये है हरने गांव। अभी अपने को बहुत लेट हो रखा है, ऑलरेडी यहाँ से 20 किलोमीटर अपने को कवर करना है, सो चलो अभी फटाफट जाते हैं और आपको डायरेक्टली बीच पे मिलते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग बीच पे आ गए हैं, और ऐसा कुछ बीच है, ये मुरुड़ बीच कहलाता है, और यहाँ पे मस्त सबको स्नैक शाम का, पकौड़े चाय वगैरह सब, इधर कॉर्न भी है, और यहाँ पे बहुत सारे राइड्स है, ये देखो बहुत सारे राइड्स सबको करने मिलेंगे, बहुत सारा मज़ा है यहाँ पे। सो चलो अपन भी कुछ राइड करते हैं, अभी जेट स्की कर रहे हैं, और अभी जेट स्की करेंगे, मैं खुद को कन्विंस कर रहा हूँ कि हेलमेट लेके बैठो, डायरेक्ट हेलमेट से मैं शूट कर पाऊँ, सो लेट्स सी दिखते भी क्या करते हैं। ऑलमोस्ट सनसेट होने आया है, तो अभी फटफट कर लेते रहे। और गाइस फाइनली हम लोग इस पे बैठ गए, हाँ ऑन है ऑन है, और फाइनली गाइस हमारा राइड हो रही है चालू, लेट्स गो। Woohoo!
एक जेट स्की का राइड किया और हेलमेट लेके बैठ गया था और फाइनली मेरा राइड हो गया। इतना मस्त एक्सपीरियंस रहा ना। यहाँ का बीच बहुत मस्त बीच है और ऑलमोस्ट सनसेट हो गया है। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और बहुत सारा क्राउडेड बीच है, बहुत सारे एक्टिविटीज आपको करने मिलते हैं यहाँ पे। आपको राइड के लिए यहाँ से रूम से लेके घोड़े तक सब कुछ राइड करने मिलेगा और मस्त बीच है। थोड़ा भी स्नैक्स वगैरह खा लेंगे और यहाँ से भी निकलेंगे। रेडी हो गए, मैंने शूज़ वगैरह पहन लिए, सब क्लियर हो गया पूरा और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। आप कभी भी ये साइड आ रहे तो ज़रूर ये बीच पे विजिट करके जाना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका। सो चलो अपन यहीं पे ब्लॉग एंड करते हैं और कल नए ब्लॉग शुरुआत करते हैं नए एडवेंचर राइड के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बी सेफ, राइड सेफ, घूमते रहो, मचाते रहो, पीस। बाय बाय।